नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। उज्जैन की भैरवगढ़ जेल में अपहरण के आरोपी युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मारपीट में युवक के सिर पर गंभीर चोट लगने से वो लकवाग्रस्त हो गया। दूसरी ओर जेल अधीक्षक ने कैदी की पिटाई से साफ इनकार करते हुए मामले की जाँच कराने की बात कही है। लूट और अपहरण के तबरेज नाम के युवक की भैरवगढ़ जेल में कैदियों ने बेतहाशा पिटाई की, जिसकी वजह से वो लकवाग्रस्त हो गया। कैदी जब तबरेज को पीट रहे थे, उस वक्त जेलर साहब वहां खड़े होकर उसकी पिटाई का लुफ्त उठा रहे थे। ये आरोप है अस्पताल में भर्ती तबरेज का, जिसे न्यायालय ने लूट और अपहरण के आरोप में जेल भेजा था। इसके अलावा तबरेज के परिजनों ने पुलिस कर्मियों द्वारा उसके साथ मारपीट करने की आशंका भी व्यक्त की है। जैसे ही जेल में अंदर गया, वैसे ही मुझे अंदर कैदियों ने मारा। मैं अंदर गया, सामने जेलर साहब बैठे थे, उनके पास में 8-10 कैदियों ने खड़े थे और बाकी सारे लाइन में खड़े थे। जैसे ही मैं अंदर गया, वैसे ही जेलर साहब ने नाम पता पूछा। उसके बाद में उन सारे कैदियों ने मुझे गुस्से से मारने लग गए और जो लाइन में खड़े थे उन्होंने भी मुझे मारा। कल वो जेल गया, उसके बाद में उसको लकवे की शिकायत हो गई और वहाँ पर उसको मारा है कि थाने पे उसको मारा है। थाने पे भी उसका रिमांड हुआ है और वहाँ पर भी उसकी हालत देखिए आप कि उसकी हालत कितनी सीरियस। तबरेज का अस्पताल में जेल वार्ड में इलाज जारी है, जहां डॉक्टर का कहना है कि उसके शरीर पर बाहरी तौर पर चोट के कोई निशान नहीं है। हालांकि डॉक्टर अंदरूनी तौर पर चोट लगने की बात से इनकार भी कर रहे हैं। कल रात्रि में लगभग 10:30 बजे के समथिंग जेल से, भैरवगढ़ जेल से एक कैदी था तबरेज नाम का, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। उसको परीक्षण और उपचार के हेतु लाया गया। एक्चुअल में परीक्षण करने पे हमें कोई बाह्य चोट तो नज़र नहीं आई है, पर फिर भी उसको इंटरनल चोट आने की उसने शिकायत करी है। और उसके बाद में जब से वो आया है, तब से उसके जो दोनों हाथ और दोनों पैर है उसमें सुन्नपन की कंप्लेन और थोड़ी बेचैनी और घबराहट वाली शिकायत हो रही है। हालांकि पास्ट कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है उसे, फिर भी हमने उसे संज्ञान में लेते हुए अब हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया है जेल वार्ड में, और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है और बाकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आने के बाद में पूरी स्थिति क्लियर कट हो जाएगी। पुष्पांजलि नगर के रहने वाले तबरेज खान पर जामा मस्जिद क्षेत्र से नाबालिग का अपहरण करने का आरोप है। नाबालिग के अपहरण और लूट के आरोप में तबरेज को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश जारी हुए थे। बहरहाल जेल में कैदी की पिटाई के आरोपों का जेल अधीक्षक ने खंडन करते हुए मामले की जांच कराने की बात कही है। उज्जैन से सुदर्शन सोनी की रिपोर्ट, न्यूज आज। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।